वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड 10th क्लास स्टूडेंट और आज की पाठशाला में हम सेट नंबर 5 एनएल सीरीज की बात करेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और आज की पाठशाला का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप दिन प्रतिदिन अपने आप को एनालाइज करते चलिए और जो भी कमियां हैं उसे सुधारते रहिए। और हमारी पढ़ाई हमें प्रैक्टिकल सही और गलत करना सिखाती है, तो इसलिए इसका भरपूर एनालाइज करिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें, जस्ट अ मिनट, अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का जो टॉपिक है वो सब जानते हैं, वही सेट नंबर 5 चल रहा है। सेट नंबर 5 एनएल सेट चल रहा है, सी सेक्शन है, 10th क्लास के बच्चों के लिए है और इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका बचा हुआ है, जिसे 12 जो क्वेश्चन है, कह रहा कि बक्राम या नेफ्रॉन की रचना कारकी का विस्तार से वर्णन। देखिए, आपने देखा होगा कि नेफ्रॉन का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से, इसमें वुमेन कैप्सूल वाला भी कुछ कोशिश करते हैं करने की और कई ज्यादा बहुत ज्यादा फैला हुआ इस तरीके से। ठीक है, और समकीला होता है। ठीक है, तो यहां से क्या होती है, इफरेंट आर्टियोल और ये होती है एफरेंट। ये होता है वाउमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस, लूप ऑफ हेनले। बात समझ आ रही, इसमें कुछ प्रेशर लगते हैं। प्रेशर को कहां बता दें, 32 mmSg का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फिर उसके बाद एक प्रेशर लगता है 18 mmSg का। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रेशर, फिर एक और प्रेशर लगता है और उस प्रेशर का नाम होता है बच्चों कैपेसुलर प्रेशर। इन सारे प्रेशर में, ठीक है, ये सेल्स होती हैं इसकी, नेफ्रिक सेल्स या सेल्स ऑफ नेफ्रॉन्स, ये सारी डक्ट होती हैं, नेफ्रिक डक्ट होती हैं, ये नेफ्रिक डक्ट होती हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है। और इसमें जो नेट गेन ऑफ जो बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यूज होता है, परानिस्यंदन के प्रोसेस में यूज होता है, वो होता है 15 mmSg का लगता है प्रेशर। ठीक है, आज ही मैंने अपनी इंस्टीट्यूशन में ये टॉपिक पढ़ाया है। ठीक है, तो होता क्या है कि जितना एफरेंट आरटीओ से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है आता है, उतना जा नहीं पाता है, इसलिए इनके बीच में प्रेशर लगता है, एक दाब लगता है और वो दाब होता है 15 mmSg का। बेसिकली तो तीन दाब लगते हैं, देखिए आप यहाँ से ऐसे देखिए 32 mmSg का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी कि तरल स्थैतिक दाब, 18 mmSg का परासरणीय दाब और लिखा नहीं है हमने, 10 mmSg का कैपेसुलर प्रेशर लगता है।
और उसके बाद जो नेट गेन ऑफ होता है वो 15 MMSE का होता है। तो ये आपको इतनी सारी चीजें बतानी। कह रहा है कि इसके कार्यविधि का वर्णन कीजिए। देखें यहाँ नेफ्रॉन में देखिए तीन प्रोसेस होते हैं जो सेक्रेशन में, जो मतलब पूरे यूरिन के फॉर्मेशन में होता है। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पहले तो आपको यही बताना पड़ेगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में 50 MMSE का प्रेशर लगता है और यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है किसका होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट का। ओके और ये सब कलेक्ट हो जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, जो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होती है। देखिए सारी कलेक्टिंग डक्ट ही है, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब कलेक्टिंग डक्ट है। और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू पूरा फिल्ट्रेट आता है नेफ्रॉन पे। क्या आता है नेफ्रॉन पे, जब ये नेफ्रॉन पे आता है तो उसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी कहते हैं। ठीक है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है ये पूरी उत्सर्जन की क्रिया में पार्टी, मतलब अगर हम ये कहें एक्सक्रीशन की क्रिया में पार्टिसिपेट करता है, एक्सक्रीशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, ये इसकी विधि है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए देखिए स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा और ये प्रोसेस, उसके आगे आगे देखिए क्या होता है। उसके आगे देखिए फिर आता है सेलेक्टिव रिजॉर्प्शन, अगर हम इसे ये कहें चयनात्मक पुनर्वसोषण, उतनी बार लिख देंगे तो आधा पेज तो वैसे ही आपका भर गया है। ठीक है, सेलेक्टिव रिजॉर्प्शन, सेलेक्टिव मतलब चयन, चयन करना, पुनर मतलब दोबारा अवशोषण होना। ठीक है, तो होता क्या, देखिए यहाँ पे जितने इसेंशियल फ्लूड, इसेंशियल एलिमेंट अगर हम कहें लाइक प्रोटीन, विटामिन, फैट, फैटी एसिड, ठीक, एल्जेट्रा और फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब, और नॉन इसेंशियल एलिमेंट यानी कि आवश्यक तत्व, अनावश्यक तत्व का क्या होता है, चयन, क्या होता है, चयन या सेलेक्शन। जब इनका चयन होता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग, क्या हो जाते हैं, अलग यानी कि सेपरेट। जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो इनका क्या होता है, अवशोषण। क्योंकि दोनों का अवशोषण एक साथ होता है इसलिए इसे कहते हैं पुनः अवशोषण, क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। तो जो जरूरी पदार्थ होते हैं वो बॉडी में आ जाते हैं, ठीक है, ये कहाँ आएंगे, बॉडी में, और जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो किडनी में जाते हैं और किडनी से ये क्या होते हैं, सेक्रीशन के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सेक्रीशन के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्रावण। ये बात आपको इतनी सेलेक्टिव रिजॉर्प्शन में बतानी है। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद जैसे सेक्रीशन होता है तो सेक्रीशन की खास बात होती है सेलेक्टिव, सॉरी सेक्रीशन, जिसे हम लोग स्त्रावण भी बोलते हैं। स्त्रावण क्या होता है, बचा हुआ जो भी अवशिष्ट पदार्थ होगा, अवशिष्ट पदार्थ होगा उसका एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा ठीक है स्त्रावण होता है, यानी शरीर से बाहर निकालना स्त्रावण कहलाता है। ये उत्सर्जी अंग की सहायता से, उत्सर्जी अंग की सहायता से शरीर से
बाहर निकलते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये आपको बात बतानी है कि इतनी बार बताएंगे, चित्र बनाएंगे, तब आपको 7 नंबर मिलेंगे। चलिए चलिए ये भी देख लीजिए छोटा सा। कह रहा है कि पादप में जल और खनिज लवण के वहन की विधि को लिखिए। देखिए, पादप में जल एवं खनिज वहन की विधि, ये क्या होता है और कैसे होता है? देखिए, जल एवं खनिज वहन के लिए एक ऊतक कार्य करता है, उसे संवहनीय ऊतक कहते हैं। संवहनीय ऊतक या वैस्कुलर बंडल कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यू, और इसी को वैस्कुलर बंडल कहते हैं। अब इन संवहनीय ऊतक में दो प्रकार के ऊतक होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। देखिए, जो जल का स्थानांतरण करेगी, जो पौधे में जल का क्या करे, स्थानांतरण करे, वो जाइलम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? जाइलम। जो फासे फ्लोएम, फासे फूड, जो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करे, क्या करे, स्थानांतरण करे, वो क्या कहलाएगा? फ्लोएम। वो क्या कहलाएगा? फ्लोएम। ये दोनों ही, अगर इसकी विधि बताई जाए तो दोनों ही प्रकार के जो जल या खनिज हैं, वो पौधे के नीचे से ऊपर की ओर, मतलब जड़ से ऊपरी, मतलब पादप के सभी भागों में, सभी भागों में या कोशिकाओं में इसका परिवहन होता है। वैसे ही होता है, मतलब सेल टू सेल, ठीक है, ऑर्गेन टू ऑर्गेन, सिस्टम टू सिस्टम, कोशिका से कोशिका तक, उसके बाद ऑर्गन से ऑर्गन, अंगक से अंगक तक, उसके बाद सिस्टम से सिस्टम, तंत्र से तंत्र तक, तंत्र से तंत्र तक, फिर ये किसी भी बॉडी या पूरे प्लांट में ट्रांसफर होता है। पूरे प्लांट में जल तथा खनिज का क्या होता है? जल तथा खनिज का संवहन होता है या परिवहन होता है, संवहन होता है या परिवहन होता है। आप ये बात फ्लो चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप फ्लो चार्ट के माध्यम से ही बता सकते हैं, ठीक है। आप ये बात फ्लो चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं और बहुत सिंपल है, ठीक है। सेल से सेल, ऑर्गेन से ऑर्गेन, सिस्टम से सिस्टम। क्योंकि क्वेश्चन में आप बताएंगे फ्लोएम के बारे में भी, लेकिन आप फिर जाइलम के बारे में बताएंगे। जाइलम में जल तथा खनिज लवण आते हैं, तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से आज की पाठशाला का ओवरव्यू है। मुझे उम्मीद है कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन टन टन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।